ये भाई साहब मैंने जैसे ही मोदी जी के बारे में कुछ बोला जुमला है भैया, जुमला तो चल ही रहा है 10 सालों से 9 सालों से 10 सालों से। गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। तो मैम क्यों नहीं दे सकता आप लोग? आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। आदिवासी लोग हैं, उनके इस देश में भागीदारी है। तुमने बात प्रधानमंत्री से को देश से बचा लो भैया, अपनी बार में आ गया कौन नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं जिस हिसाब से उन्होंने कैमरा बंद किया उस पर? भैया मैं ये कहना चाहता हूँ बस ये देखो पूरा का पूरा भाई जाम लगा हुआ, और लिटरली यहाँ पे इतनी VIPs की मतलब गाड़ी है ना, और यहाँ से ऑलमोस्ट भाई मतलब आधी किलोमीटर दूर जाके अपनी यात्रा जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो वहाँ तक चल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं यार मतलब वंश के साथ आया था, लेकिन मैंने वंश को भेज दिया बिकॉज यहाँ पे भीड़ बहुत रहने वाली है, तो मैं अकेला ही अपना जा रहा हूँ, अकेली सारी चीज़ें कवर करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और लिटरली मेरे साथ से भाई जो है राहुल गांधी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से सारे ब्लैक कमांडो भाई निकले हैं पूरे इस गाड़ी में से उतर के, खड़ी है ना इस उतर के सब निकले हुए हैं वहाँ पे। यहाँ पे लिटरली बहुत सही मतलब क्राउड हो रहा है। तो भाई यहाँ से अपनी शायद यात्रा चली है स्टार्ट, और यात्रा में रहने वाली है 2 किलोमीटर की रहने वाली है, मैं थोड़ा बहुत कवर करूँगा आपको दिखाऊंगा पूरा। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही वाला पॉइंट रहने वाला है, जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट रहने वाला है। तो गाइस अभी एक्चुअली क्या है कि यात्रा स्टार्ट नहीं हुई है, बता रहे हैं मैंने पूछा यहाँ पे सर से, इन सर से पूछा है कि अभी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई है मतलब होने वाली है ऑलमोस्ट, राहुल जी अभी आए नहीं है, अभी जितने भी ये सब कार्यकर्ता आए हुए हैं इस समय, तो ये जितने भी जा रहे कार्यकर्ता है, और लिटरली कार्यकर्ता क्या है कि भाई सपा के आ रखे हैं और कांग्रेस ही सारे आ रखे हैं, तो भाई लिटरली बिल्कुल ब्लॉक पर हुआ पूरा, ये वाला रास्ता पूरा का पूरा ब्लॉक है। और ये देखो ब्लैक कमांडो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था उतर चुके जा चुके हैं सब, ये है अभी तो सिर्फ भाई सपा की गाड़ी आ रही है, तो कांग्रेसियों की गाड़ी और आ रही है नीचे से। तो ये देखो भाई यहाँ पे देखो न्यूज़ वाले भी आए हुए हैं, न्यू नाउ भारत से, और भाई न्यूज़ वाले भी आ रखे देखो, ये भी सब न्यूज़ वाले हैं, तो सब चीज़ें कवर की जा रही है। ये टाइम्स नाउ से आए हुए हैं, और लिटरली इस साइड कितना गंदा क्राउड हो रखा है देखो, सबके हाथ में है भाई ये भारत जोड़ो नया यात्रा का। तो ये सबने अपने लिए रखा है बैनर भारत जोड़ो नया यात्रा का, देखो हर किसी ने बैनर ले रखा है। भाई अभी एक्चुअली क्या है कि ये देखो सारे इधर यहाँ पे जो भी है अपने सपा के कार्यकर्ता है, और यहाँ पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता है, अभी एकदम जो होता है ना मर्जर होने वाला है कुछ देर में ही, और यहीं से अपनी जो यात्रा वो स्टार्ट होने वाली है। और लिटरली यहाँ पे इतनी VIP मेरे पीछे आप ऐसे देख सकते हो कितने सारे सपा के भाई फ्लैग लगे हुए हैं, देखो पूरे लाइन से फ्लैग ही फ्लैग है पूरे, और अपनी यहाँ यात्रा भाई जो होने वाली है स्टार्ट यहाँ से होने वाली है। और ये देखो लोग भाई छतों पे खड़े हो के देख रहे हैं, देखो यहाँ पे यहाँ खड़े हैं कुछ, यहाँ खड़े हुए देखो वहाँ ऊपर इतने लोग खड़े हुए हैं, और ये देखो पूरी अपना रोप चल रही है, रोप से पूरा यहाँ पे क्राउड इसके अंदर आएगा, सब ऐसे बाहर जाइए। तो बहुत सेफली हम जाएंगे और बहुत सेफली हम चीज़ें कवर करेंगे। तो ये है, तो अभी तो हम रोप के इस साइड आया बिकॉज क्या है कि क्राउड बहुत रहने वाला है, तो वही है आपको थोड़ा बहुत दिखा देंगे हम, बने रहो आगे। Yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable.
सो गाइस फाइनली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जितना भी पूरा कॉन्वे चलता है गाड़ियों का टोटली वो आ चुका है। ये देखो भाई लाइन से लगा हुआ पूरी सब गाड़ी है जो भी इनका चलती है, हो सकता है वो ऑलमोस्ट भाई राहुल गांधी भी आने वाले हो। और लिटरली जो यहाँ पे जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा की टाइमिंग थी वो 2 बजे की थी, ऑलमोस्ट भाई आधा घंटा मतलब 2:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा वो नहीं है, अपडेट नहीं है। लेकिन अब पूरा कॉन्वे दिख रहा भाई, ट्रक जितने भी चलते हैं ना राहुल गांधी जी के साथ तो जोड़ो यात्रा के अंदर, तो सब लाइन से आ गए। देखो ये सब आए हुए लाइन से, और इसके बाद आई थिंक अपने राहुल गांधी जी भी आ गए होंगे। तो अब पूरा देखते हैं जो यात्रा है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। के साथ चलते हैं कॉर्नर, देखो इस पे लिखा हुआ भारत जोड़ो नया यात्रा, तो सारे लाइन से पूरा कॉर्नर आ चुका है। ये रहा जुमला ऊपर से जुमला नीचे से जुमला कैसे काम चलेगा मैम, आप भी समझते हैं आपको कितनी स्वतंत्रता दे रखी है, मुझे पता है मैं मीडिया का पर्सन हूँ, मुझे पता है आप लोगों के कितना देखते हैं। आप क्या साउंड बाइट दे रहे हैं मीडिया के पर्सन हो तो मैम क्यों नहीं दे सकता, आप लोगों का हनन हो रहा है, हनन हो रहा है आपके खिलाफ। जैसे कि आपने अभी देखा होगा आज तक वाले एक भैया का भाई जो बाइट ले रहे थे, जैसे उन्होंने मोदी सरकार पे और न्यूज़ वाले के प्रति कुछ बोला तो उनको बोलने नहीं दिया गया, वहीं पर उन्होंने वो अपना जो है कैमरा ऑफ कर दिया। तो फाइनली मुझे भैया मिले, बताया कि अभी उनकी बात हमारे थ्रू पहुँचेगी आप तक, तो भैया क्या कहना चाहोगे? भैया मैं यही कहना चाहूँगा जैसे कि अभी मैं आज तक पे बोला, पर मौसमी सिंह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बीजेपी की चमची मान लो इसे। अच्छा। ये भाई साहब मैंने जैसे ही मोदी जी के बारे में कुछ बोला जुमला है, भैया जुमला तो चल ही रहा है 9 सालों से मोदी जी कभी लाते हैं नोटबंदी, भैया 8 बजे से नोटबंदी बंद, भैया कभी लाते हैं GST, भैया GST नाम की चिड़िया नहीं है देश को पता, तो भैया कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ भैया आपके माध्यम से जुमले बाद प्रधानमंत्री से को देश से बचा लो, भैया आपकी बार ये आ गया तो हनन ही हनन चलेगा। भैया आप क्या कहना चाहते हैं जिस हिसाब से उन्होंने कैमरा बंद किया उस पर? भैया मैं ये कहना चाहता हूँ चमची मीडिया की चमची है भैया, हनन हो रहा है भैया, वो सबसे जो सच्चा चैनल है ना देश में वो सोशल मीडिया ही है बड़े भाई, तो आप लोग बिल्कुल सारी बात खोल के बताते हैं, पर ये जितने भी गोडी मीडिया वाले चैनल है ना कैमरा बंद, मोदी के बारे में कुछ बोला कैमरा बंद हो गया भैया। तो गाइस फाइनली सारे ब्लैक कमांडो उतार रखे हैं और अभी अपनी जो नया यात्रा है वो स्टार्ट होने वाली है ऑलमोस्ट, और आपने देख लिया होगा जो न्यूज़ वाले वो बाइट ले रहे हैं। और मैंने एक चीज़ भी डाली है, तो मैं हर किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ऐसा मतलब मैं ये नहीं है कि मैं NDA की तरफ हूँ या PDA की तरफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा हूँ जो अपना चल रहा है वो आपके थ्रू तक पहुँचे जो मीडिया नहीं दिखा रही है। आपने देखा होगा उन्होंने कैमरा बंद कर दिया था, तो ये है। सो गाइस भाई लिटरली क्राउड देखो कितना हो हुआ है, अब PDA भाई PDA समाजवादी गाड़ी की भाई ये गाड़ी है। आगरा इन उत्तर प्रदेश जस्ट अ शॉर्ट वाइल बैक राहुल गांधी अखिलेश यादव एंड प्रियंका गांधी वाड्रा
address gathering at Delhi Batia here in Agra. You can see all three outfits for a few kilometers to get there. मगर जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी इस देश में भागीदारी है ही नहीं। और यही इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें लीगल एमएसपी दे दीजिए। नरेंद्र सरकार कहती है कि हम आपको लीगल एमएसपी नहीं देंगे, लीगल एमएसपी आपको नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, जैसे ही हमारी सरकार आई, हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल एमएसपी दिलवा देंगे। एक मिनट नहीं लगेगा। हम भी निकलते हैं अपने घर की तरफ। बहुत सारा भाई क्राउड हो गया, पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है भाई। कैसी कैसी जगह देखती हूँ निकलने का है। और जो अपनी नया यात्रा भी आएगी यहाँ की साइड बढ़ेगी और अपने घर की तरफ निकलते हैं सीधा। और यहाँ पे सामने देखो राहुल गांधी जी हो रहे हैं, सामने जस्ट सामने भाई राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हमारे।